अब कैरी चिकन बनाते हैं, कैरी मुर्ग बनाते हैं। ये जो कच्चा आम है इसे छील कर आप छोटे छोटे टुकड़े काट लें इसके, और उसके साथ थोड़े से पीसेस का आप प्यूरे बना लें, यानी उसकी पेस्ट बना लें। यहाँ पर ये कैरी छील कर हमने इसकी पेस्ट बनाई है, और इसके साथ चिकन को काट कर, ये चिकन विद बोन्स है, आप चाहें तो बोनलेस चिकन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये चिकन के पीसेस हम ले लेते हैं और इसमें हम बाकी चीज़ें मिक्स करते हैं। अदरक का पेस्ट, लहसुन का पेस्ट, नमक, गरम मसाला पाउडर, हरी मिर्च की पेस्ट, और ये प्यूरेड कैरी जो कच्चा आम है उसका प्यूरे जो हमने बनाया, खट्टा होता है, देखिए कितनी ज़्यादा मात्रा में, मज़ा तभी आएगा। अब इन सब चीज़ों को मिक्स कर लें। एक और तैयारी करनी है, वो मैं बता देता हूँ क्या, वो ये कि आप एक कोयले का टुकड़ा जला लें, लकड़ी का कोयला ले लें, और इस तरह से गैस के ऊपर मैंने रखा हुआ है, इसे जला लें, और उसके बाद इस चिकन के अंदर, इस बोल के अंदर आप एक कटोरी इस तरह से रख लें। इस कटोरी के अंदर कुछ लौंग के दाने। अब ये जो कोयला है जिसे हमने जलाया है उसे इसके ऊपर रखेंगे, और आप ढक्कन तैयार रख लें इसके ऊपर, इसे ढकने के लिए, और यदि ढक्कन ना हो तो आप एल्युमिनियम फॉइल से भी इसको ढक सकते हैं। और उसके बाद इस कोयले के ऊपर तेल, और तेल डालते ही आप इसे ढक दें। इससे होगा क्या कि अंदर एकदम सारा धुआं तैयार होगा, और ये जो धुआं है इसके अंदर लौंग की खुशबू आएगी, और इसी तरह से ढक कर कुछ देर तक इसको रखना है। और अब इसे पकाने की तैयारी करते हैं। पकाने के लिए एक बर्तन के अंदर तेल, और इसके अंदर ये स्लाइस्ड प्याज। अब ये जो प्याज है इसे हमने हल्का सा पकाया, सॉफ्ट किया है, कुछ और चीज़ें इसके साथ इसमें डालनी है, लहसुन का पेस्ट, अदरक का पेस्ट, हरी मिर्च का पेस्ट, वैसे ये तीनों चीज़ें उस मैरिनेट में भी हमने डाली हैं। अब इसे निकाल लें, और निकालते समय ध्यान रखें कि ये जो कटोरी है वो कहीं गर्म तो नहीं है, और इसके अंदर चिकन जिसे हमने मैरिनेट किया है, थोड़ी सी हल्दी, थोड़ी सी लाल मिर्च, धनिया पाउडर, गरम मसाला पाउडर, और आम, कच्चा आम, उसके टुकड़े कटे हुए, ये सब चीज़ें डालकर इसे मिक्स कर लें, और इसे कुछ देर तक तेज़ आंच पर पकाएं, थोड़ा सा नमक और अब इसमें खूब सारा हरा धनिया, हरा धनिया डाल के इसे अच्छी तरह से मिक्स करें। बहुत थोड़ा सा पानी इसके अंदर, पानी डालने के बाद तेज़ आंच पर थोड़ा सा पकाएं ताकि ये उबलने लगे, और उसके बाद ढक्कन लगाकर इसे हम ढक देते हैं, और अब धीमी आंच पर करीब 15 मिनट तक आप इसको इसी तरह से पकने दें, और उसके बाद जो चिकन तैयार होगा आप खा के देखिए, आपको मज़ा आएगा। गर्मियों के मौसम में खाने का दिल नहीं करता है, लेकिन ऐसा चिकन मिल जाए इतने बढ़िया आम के साथ, कच्चे आम के साथ, तो उंगलियां चाटते रह जाएंगे, ये गारंटी है। और इसके बाद एक और मीठी डिश है, आम की बनी हुई है, कैरी मुर्ग के लिए 1 किलो चिकन के पीसेस, 2 कच्चे आम, आधा बड़ा चम्मच अदरक का पेस्ट, आधा बड़ा चम्मच लहसुन का पेस्ट, नमक स्वाद अनुसार, 2 छोटे चम्मच गरम मसाला पाउडर, आधा बड़ा चम्मच हरी मिर्च का पेस्ट,
तीन बड़े चम्मच तेल, दो प्याज स्लाइस की हुई, एक चौथाई छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, डेढ़ छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, दो छोटे चम्मच धनिया पाउडर और आधा कप बारीक कटा हुआ हरा धनिया। इसके लिए आप एक कच्चे आम के छोटे पीसेस कर लें और दूसरे की प्यूरी बना लें। एक बोल में चिकन के पीसेस लेकर इसमें अदरक का पेस्ट, लहसुन का पेस्ट, नमक, गरम मसाला पाउडर, हरी मिर्च का पेस्ट और कच्चे आम की प्यूरी डालकर मिला लें। अब इसमें एक कटोरी रखें और इसमें कुछ लौंग और जला हुआ कोला डालकर ऊपर से गरम तेल डालें और इसे ढक कर करीब 2 घंटे तक रखें। एक कढ़ाई में तेल गरम करें, इसमें स्लाइस की हुई प्याज डालकर इसे अच्छी तरह से भून लें। इसमें लहसुन का पेस्ट, अदरक का पेस्ट और हरी मिर्च की पेस्ट डालकर मिक्स कर लें। अब इसमें मैरिनेटेड चिकन के पीसेस, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला पाउडर, कटा हुआ कच्चा आम डालकर इसे तेज आंच पर पकाएं। अब इसमें नमक और कटा हुआ हरा धनिया डालकर मिक्स कर लें। अब इसके साथ इसमें थोड़ा सा पानी डालकर इसे ढक्कन लगाकर करीब 15 मिनट तक धीमी आंच पर पकाएं और सर्व करें।